सबसे पहले बात करते हैं मेरे स्पार्क के बारे में। यहाँ पे मेरा फैंटम 4 प्रो है, हमने उसको एक बार दबाया तो उसको आपको उसको बाकी रखना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा इंस्पायर ड्रोन, अब जल्दी से लगाते हैं प्रोपेलर्स। बात करो सब ड्रोन की फ्लाइट टाइम के बारे में, तो स्पार्क का फ्लाइट टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon so you never miss any video. Well, so what's up guys, YPM Vlogs back here. आज इस वाली वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ अपने सारे ड्रोन्स को, यानी कि Spark versus Phantom 4 Pro और साथ में Inspire 1 version 2.0 X3 कैमरा। जो बच्चों सबके प्राइस है वो है $500, यानी कि Spark का जो प्राइस है वो है $500, Phantom का प्राइस है वो है $1500, जो Inspire X3 का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली वो है $5000। देखिए आज सारे कंपेयर करते हैं ड्रोन्स को। यहाँ पे मेरे पास में मेरा Phantom 4 Pro, यहाँ पे मेरे पास में है मेरा इंस्पायर जो कि यार काफ़ी ज़्यादा इसका बड़ा बैग है, और गेस व्हाट, यहाँ पे मेरे पास है स्पार्क, इसमें मेरा आईपैड भी है, मेरा स्पार्क भी उसका रिमोट भी है, यानी कि देखो कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है ये साइज़ में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें आपको बताऊंगा सारे ड्रोन को कंपेयर करते हुए कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस मुझे कई सारे कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोस पे कि मैं कौन सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ अपने वीडियो बनाने के लिए। तो मैं यूज़ करता हूँ वंडरशेप फिल्मोरा, मतलब ये मेरे मैक पे भी खुला भी हुआ वंडरशेप फिल्मोरा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी सॉफ्टवेयर। तो दिखाता हूँ इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, सॉरी आपको लेकर चलता हूँ मेरी मैक की स्क्रीन पे। सो गाइस देखिए यहाँ पे मेरी पूरी फिल्मोरा की स्क्रीन खुली हुई है। देखिए यहाँ पे कितना कंज्यूमर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। देखिए यहाँ पे आपको सारे ऑडियो डिजिटाइजेशन आपको सारी यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे आपको सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। और एक और चीज़ ऐसी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ फिल्मोरा 9.0 वर्जन। इसमें आपको एक हीरो डिजाइन कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको क्या मिलता है कि इसमें आपको टोटल मिल जाएंगी 100 पॉसिबल लेयर्स ऑडियो की फ्रेमिंग, और साथ में देखिए आपको मिल जाएंगे इतने ज़्यादा इफेक्ट्स। मतलब देखिए मतलब आपको इतने ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट्स मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको मिल रहे हैं ट्रांजिशंस। और एक और चीज़ गाइस, उसके इफेक्ट्स है ना वो यार वो ऑसम है। ये देखिए ये सब देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हरे ट्रांजिशन, यहाँ पे हरे इफेक्ट्स हैं। और इस वाले सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है एडिट एंड प्रीव्यू 4K का फीचर, यानी कि इसमें आपको जो वीडियो है 4K में हो जाएगी एक्सपोर्ट, और इसमें कर सकते हो पूरी वीडियो एडिटिंग आराम से। तो इसलिए बोल रहा हूँ फिल्मोरा इंस्टॉल कर लो एंड एम्पावर योर इमेजिनेशन। सो गाइस देखा आपने कितना इजी सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए, अगर बाकी कंपेयर करो बाकी सॉफ्टवेयर से। और एक और चीज़ गाइस कि ये सॉफ्टवेयर है अवेलेबल है मैक एंड विंडोज में दोनों में। सो इसका तो लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, चाहे उसको आप कर सकते हो डाउनलोड। एंड चलिए दिखाता हूँ आपको मैं इसके आगे का व्लॉग। सबसे पहले बात करते हैं मेरे स्पार्क के बारे में। सो ये देखिए यहाँ पे मेरा बैग मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा आईपैड इसको रखती है साइड में, यहाँ पे स्पार्क है जो कि इसका छोटा सा बिल्कुल बैग है। तो स्पार्क ड्रोन होता है, ये टोटल आता है दो वेरिएंट के अंदर, एक आता है फ्लाइमो कॉम्बो और एक आता है नॉर्मल। नॉर्मल में आपको क्या होता है कि उसमें आपको रिमोट नहीं मिलता, उसमें आपको सिर्फ ड्रोन मिलता है, उसमें आपको हाथ में मिलती है एक बैटरी। जो मेरे पास में वो है फ्लाइमो कॉम्बो, उसमें मेरे पास टोटल एक रिमोट है और दो बैटरीज है, और हाथ में से आपको होल्डर मिल जाता है एक्सेसरीज लाइक बैटरी अडैप्टर वगैरह। सो गाइस देखिए जो स्पार्क है इसमें थोड़ा सा ड्रोन है ये देखिए, और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि ये शूट करता है वीडियो 1080p 30fps तक मैक्सिमम का उसका जो रेजोल्यूशन है, और उसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो भी लाइक ओके सी है, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट ड्रोन है। तो जो DJI का अब तक का लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट ड्रोन है। अब बात करते हैं फैंटम 4 प्रो की, तो अब बात करते हैं इस वाले बॉक्स की, जो ये काइंड सा लाइक थोड़ा सा पोर्टेबल है। आप इसको रखो इंस्पायर के सामने, ठीक है, इसका जो बैग काइंड सा पोर्टेबल है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ऐसे देखिए मैं आपको बैग खोलना पड़ता है करके, देखिए तो ये देखिए इसे मैं को बैग खोलूंगा तो यहाँ पे मेरे को फैंटम 4 प्रो मिल जाएगा मेरा ड्रोन। ये यहाँ पे मेरा फैंटम 4 प्रो है, लेकिन इसमें क्या आपको होता है प्रॉब्लम कि इसमें आपको कनेक्ट करने पड़ते हैं इसे प्रोपेलर्स। ये देखिए हालांकि जो पूरा ड्रोन आपको सेटअप होने में लेगा मैक्सिमम 5 मिनट, लेकिन इसकी जो रेंज है वो ऑसम है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसका जो कैमरा क्वालिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी शूट करता है 4K 30fps तक मैक्सिमम का जो रेजोल्यूशन है। कुछ ऐसा देखिए फैंटम 4 प्रो, इसके और भी वेरिएंट आते हैं लाइक फैंटम 4 प्रो 2.0 भी आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है इससे अगर देखा जाए तो। और हालांकि फैंटम 5 भी आने वाला है, तो मैं उसी की वेट करूँगा कि जैसे फैंटम 5 आएगा मैं वो ले लूँगा। यहाँ पे फैंटम 4 प्रो का रिमोट जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इंस्पायर के ड्रोन के रिमोट से, अगर आप कंपेयर करो। इंस्पायर के रिमोट में क्या होता है कि सबको यहाँ पे होटे दे रखे हैं तो होते हैं स्विच, जो कि आपको बताऊँगा मैं इस वाली वीडियो के अंदर ही। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द इंस्पायर ऑल्सो। पर अब बात करते हैं द बेस्ट क्वालिटी ड्रोन की, यानी कि यह है इंस्पायर 1 2.0। अब इसका क्या है कि बिल्कुल भी पोर्टेबल नहीं है, आपसे पता है बिल्कुल पोर्टेबल ड्रोन नहीं होगी, इसका इतना बड़ा बैग है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसको आप लेकर अगर लेके जाते हो उसको एयरपोर्ट के अंदर, तो इसमें थोड़ी बहुत आती है आपको प्रॉब्लम, लेकिन अगर उसको लेकर जाओगे बैगेज के चेकिन के अंदर तो आपको कहीं चेक आएंगी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। हालांकि अगर आप लेकर उसको लेके जाओ फैंटम को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट जो इंस्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज है ड्रोन का। अगर आप कंपेयर करो फैंटम के बॉक्स से तो ऐसे टोटल 2 बॉक्स बैठ जाएंगे इसके बॉक्स के अंदर। सो देखा जाए तो जो इंस्पायर की जो क्वालिटी है वो ऑसम है, बट पोर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार जल्दी से खोलता हूँ मैं जरा इंस्पायर ड्रोन को। ये देखिए देखिए यहाँ पे मेरा इंस्पायर ड्रोन है, इसको एक बार जल्दी से मैं खोल लेता हूँ। इसका इतना बड़ा अटैची एंकल, बहुत बड़ा अटैची है ना इसका, लेकिन एंकल क्वालिटी एक नंबर है इसकी, वो तो है ना। ये देखो अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे खोलूंगा तो ये इतना बड़ा ड्रोन है, ठीक है। देखिए इसके जो प्रोपेलर है बिल्कुल स्पार्क के साइज के हैं देखा जाए तो, और इंस्पायर के हमने स्पार्क बिल्कुल बच्चा लगता है ये देखिए। अब इसमें क्या दिक्कत है
कि अगर उसको इंस्पायर लेते हो ना, जैसा आपने बताया कि बिल्कुल पोर्टेबल नहीं है, तो उसको आराम से लगेंगे 15 से 20 मिनट सेटअप करने के लिए। सो अब एक बार आप देखिए जरा फैंटम की तरफ। फैंटम का जो कैमरा है उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट फिटेड आता है, बट इसमें कुछ भी फिट नहीं आता। इसमें आपको प्रोपेलर्स भी लगाने पड़ेंगे, आपको कैमरा भी लगाना पड़ेगा, बट उससे पहले इसको आपको हटाना पड़ेगा इसके ट्रैवल मोड से। अब वो कैसे हटाएंगे, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका रिमोट है, देखिए इतना बड़ा सा। और आपको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने उसको एक बार दबाया तो उसको आपको उसको बाकी रखना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। इसमें आ जाएगी आवाज़ सेम ड्रोन के साथ में है। ये मैंने ड्रोन को ऑन कर दिया। अब देखिए अभी जो ड्रोन है वो ट्रैवल मोड के अंदर है, तो उसको उसको जरा सबसे पहले हटाते हैं ट्रैवल मोड से। तो ये देखिए तो इसको आपको जो स्विच ऑफ करना पड़ेगा 4 बार ऊपर नीचे, तो इससे आपको जो ड्रोन है वो आ जाएगा टेक ऑफ मोड के अंदर। अब आपको क्या करना है कि आपको ड्रोन बंद करना है, फिर आपको इसमें कैमरा लगाना है। सो एक बार आपको दिखाता हूँ पूरा सेटअप करते हुए ड्रोन को। तो देखिए यहाँ पे है कैमरा, ये देखिए जो कि है X3। अब मेरे को करना पड़ेगा इसको कनेक्ट अपने इंस्पायर ड्रोन से। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस कैप को रिमूव करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से लॉक हटाना पड़ेगा, मैंने इसको लॉक हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए होटल एक दे रखी, देखिए वाइट लाइन, इसको मेरे को मैच करना पड़ेगा इसके साथ में। देखिए जो बिल्कुल हो चुका है परफेक्टली, और देखिए हमारा जो कैमरा बिल्कुल लग चुका है। लगाते हैं जल्दी से प्रोपेलर्स। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा इंस्पायर ड्रोन, अब जल्दी से लगाते हैं प्रोपेलर्स। तो ये देखिए हमको वाइट डॉट से वाइट डॉट मैच करना है, हमको रेड डॉट से रेड मैच करना है। सो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो इंस्पायर हो चुका है बिल्कुल रेडी। देखिए इसमें कैमरा भी लग चुका है, इसमें प्रोपेलर्स भी लग चुके हैं। सो गाइस अब लगाते हैं जल्दी से फैंटम में प्रोपेलर्स, और हमारे जो चुके फैंटम में प्रोपेलर्स। अब ये देखिए ये है, देखिए यहाँ पे मजाक, ये देखिए यहाँ पे मैं रख चुका हूँ इंस्पायर को, और यहाँ पे रख चुका हूँ मैं फैंटम को। और ये देखिए बीच में फिट हो गया हमारा स्पार्क। अंकल मजा आया देख करके, बहुत मजा आ रहा भाई, बहुत मजा आ रहा है ना। वो भी अपने अपने एक लेके दिखाया तो अच्छी चीज है, क्योंकि ये तो पोर्टेबल ड्रोन है। देखिए यहाँ पे जल्दी उड़ाते हैं इंस्पायर, पहले इंस्पायर को। और अंकल इंस्पायर काफी ज्यादा शोर भी करता है ना, बहुत ज्यादा। राय अंकल हाँ उड़ाते हैं, लेट्स गो लेट्स गो। तो देखिए यहाँ पे मेरा इंस्पायर टेक ऑफ कर चुका है। देखिए यहाँ पे करूंगा मैं लैंडिंग है ऊपर, तो ये देखिए यहाँ कैसे रहा था। देखिए लैंडिंग है ऊपर। अंकल जी ड्रोन का बहुत शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा है ना। तो ये देखिए यहाँ पे कितने ज्यादा ईगल्स आ गई है, इसके पास नहीं आ रहा, कोई इसके पास नहीं आएगा भैया, इसकी शोर ही इतनी है। देखिए आ चुका मेरा फैंटम 4 प्रो। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बनाऊंगा फैंटम 4 प्रो, और इसके मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा मैं इसकी सारी क्लिप्स, जब मैं कंपेयर करूंगा साइड बाय साइड करके। आप मुझे बताना कि आपको कौन सा वाला कैमरा ज्यादा अच्छा लगा। सो गाइस हमारा आ चुका है फैंटम ड्रोन, इसकी जो रेंज है वो काफी ज्यादा अच्छी है, बट अगर आप इसको कंपेयर करो स्पीड से तो जो इंस्पायर की स्पीड है वो ऑसम है। सो गाइस अंकल देखो जरा कि मेरे को बच्चा लग रहा है अंकल स्पार्क, एकदम बच्चा लग रहा है। सो गाइस लास्ट में हमारा स्पार्क ड्रोन जो कि सबसे ज्यादा मिनी ड्रोन है, सो ये देखिए इसके अंकल आवाज बहुत कम है, इसमें कुछ उड़ता भी नहीं है हवा में, है ना, कुछ नहीं। सो गाइस हमारा चुका है ड्रोन लैंड, और अभी आप जरा फुटेज देख रहे हो सब ड्रोन की। और एक और चीज गाइस, अगर बात करो सब ड्रोन की फ्लाइट टाइम के बारे में, तो जो स्पार्क का फ्लाइट टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली 14 से 16 मिनट, जो इंस्पायर का फ्लाइट टाइम है वो है अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट, और जो फैंटम का फ्लाइट टाइम है वो ऑसम है, यानी कि उसका जो फ्लाइट टाइम है वो है आधे घंटे का, उसको कितना बजे उड़ा वो खत्म ही नहीं होगा फ्लाइट टाइम, ठीक है। आपके सारे शॉर्ट्स भी निकल जाएंगे। तो जो मेरा फैंटम कैमरा टोटल दी थी 2 बैटरीज, आई होप लाइक द वीडियो की दिस वीडियो थम्स अप टू बताना कमेंट्स के अंदर क्या कौन से ड्रोन की ज्यादा फुटेज अच्छी लगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देन बाय। सब्सक्राइब कैसे करना है भक्के डुन 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 बाय।